नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज हम प्रदोष की चर्चा करेंगे कि प्रदोष का व्रत है उसका क्या महत्व है, प्रदोष का व्रत करने से क्या लाभ होता है, और अलग अलग वार में प्रदोष हो, जैसे कि मंगलवार को प्रदोष हो तो वह कितना पुण्यशाली होता है, उसका क्या फल होता है, रविवार का प्रदोष हो तो उसका क्या फल है, अगर सोमवार के दिन प्रदोष हो तो उसका क्या फल है, अलग अलग वारों में प्रदोष व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, या फिर आप किस कामना से व्रत करें तो किस दिन प्रदोष में आपको करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि कई बार हम पंचांग में देखते हैं कि दो त्रयोदशी होती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत है वह त्रयोदशी में किया जाता है। और प्रदोष का अर्थ क्या है, प्रदोष कितने समय का होता है, सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि दो अगर त्रयोदशी हो तो कब प्रदोष का व्रत किया जाए, दोनों दिन करें, पहले दिन करें या फिर दूसरे दिन। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे। और खास 2021 के वर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने प्रदोष के व्रत आ रहे हैं, किस वार को आ रहे हैं, कौन सा प्रकार है, सारी विस्तृत चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारे फेसबुक पेज की मुलाकात ले रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को या फिर पेज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन, हमारी जो नई शास्त्रीय जानकारियाँ हैं वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पर या फिर इस पेज पर हम शास्त्र की ही माहिती, शास्त्र की ही जो बातें हैं वह सब प्रमाण प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आइए इस प्रदोष के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रदोष अर्थात क्या, प्रदोष की बात करें तो प्रदोषोस्तमया दुर्ध्वम घटिकाद्वयमीष्यते, या फिर प्रदोषोस्तमया दुर्ध्वम घटिकात्रयमीष्यते। ग्रंथ में अलग अलग प्रमाण दिए हैं कि कई ग्रंथों के अनुसार दो घड़ी, जिसे प्रदोष का समय कहा जाता है, सूर्यास्त के बाद जब सूर्य है वह अस्त हो जाता है, उससे दो घड़ी गिननी है। एक घड़ी बराबर 24 मिनट होते हैं, मतलब कि 48 मिनट आपको गिनने हैं। जब 48 मिनट हो, सूर्य अस्त हो उसके पश्चात, उस समय को प्रदोष काल किया जाता है। और त्रयोदशी के दिन इस समय में, इस 48 मिनट में जो भी व्यक्ति शिव जी की उपासना करता है तो उसे अत्यंत फल की प्राप्ति होती है, बहुत ही ज़्यादा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। और कोई भी व्यक्ति प्रदोष के समय में अगर शिव जी की उपासना करता है तो उसे धन धान्य पुत्र पौत्रादि द्रव्य इत्यादि कई वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जी हाँ, यह हम ऐसे ही नहीं बता रहे, सब प्रमाण भी आपको देते हैं। ग्रंथ प्रमाण इस प्रकार है कि ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्य मनसोंघ्रि सरोज सेवाम नित्यं प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपद अधिकास्त इहैव लोकः। स्कंद पुराण के आधार पर यह श्लोक आपको बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति शिव जी की उपासना प्रदोष समय में करता है तो वह पुत्र पौत्रादि धन धान्य कलत्र इत्यादि सभी सुखों को प्राप्त करता है। अब जानते हैं कि प्रदोष समय में शुक्ल पक्ष में कौन सा वार हो तो ज्यादा अत्यंत शुभकारी होता है, और कृष्ण पक्ष में कौन से वार में अगर त्रयोदशी हो तो वह अत्यंत फलदायी त्रयोदशी होती है। यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारेण संयुता, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, तदा तीव फलम प्राप्तम धनपुत्रादिकं लभेत। अर्थात कृष्ण पक्ष में जब सोमवार के दिन त्रयोदशी हो और शुक्ल पक्ष में मंद अर्थात शनिवार को जब त्रयोदशी हो, तब वह अतीव फलदायी त्रयोदशी होती है। उस दिन अगर कोई व्यक्ति शिव जी की उपासना करता है प्रदोष समय में तो उसे बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि त्रयोदशी के दिन दो त्रयोदशी हो, जब प्रदोष समय में, मतलब कि आज शाम को भी त्रयोदशी है और कल शाम को भी त्रयोदशी है, तो किस त्रयोदशी में हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, प्रदोष का व्रत
किस समय करना चाहिए? तो शुक्ला त्रयोदशी पूर्वा पराकृष्णा त्रयोदशी, यह ग्रंथ प्रमाण है, निर्णय सिंधु ग्रंथ के आधार पर है कि शुक्ला त्रयोदशी पूर्वा अर्थात शुक्ल पक्ष में जो पहली त्रयोदशी हो, अगर दो तिथियां हैं तो पहली त्रयोदशी है वह, उसमें शिव जी की उपासना करनी है, और कृष्ण पक्ष में अपरा मतलब कि दूसरी जो तिथि है, दूसरी त्रयोदशी, उसमें शिव जी की उपासना हमें करनी चाहिए, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब प्रदोष के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि शनि प्रदोष हो गया, अर्क प्रदोष है, सोम प्रदोष है और भौम प्रदोष, यह चार प्रदोष के अलग अलग प्रकार बताए हैं कि सभी प्रदोषों में यह चार प्रदोष सबसे उत्तम बताए हैं। आगे 2021 में यह चार प्रदोष कब आने वाले हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, अभी इनका फल जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शनि प्रदोष का व्रत करता है तो उसे पुत्र पौत्रादि मतलब कि संतति का लाभ होता है, संतति के सुख की प्राप्ति होती है शनि प्रदोष का व्रत करने से। शनिवार को जब त्रयोदशी हो तब शिव जी की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब आता है अर्क प्रदोष, मतलब कि जब रविवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तब कोई व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है तो उसे आयु एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। चंद्र प्रदोष, सोमवार के दिन प्रदोष हो उस समय जो शिवजी की उपासना करता है तो उसे रक्षा एवं शांति की प्राप्ति होती है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे सदैव शांति प्राप्त होती रहती है। और भौम प्रदोष, अगर आपके ऊपर बहुत ऋण हो चुका है, आप कर्जे में डूबे हुए हैं और अगर आप भौम प्रदोष का व्रत करते हैं तो भौम प्रदोष से व्यक्ति ऋण मोचन, यह प्रदोष कहा गया है कि आपको ऋण से मुक्ति दिलाता है। अब जानते हैं 2021 में किस किस तारीख को कौन से वार पर प्रदोष का व्रत पड़ रहा है और कौन सा प्रदोष का यह प्रकार है। जो सबसे पहले हमने बताया कि शुक्ल पक्ष में अगर शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत हो और कृष्ण पक्ष में सोमवार को हो तो वो किस दिन आ रहा है वह दिनांक भी आपको बताएंगे। और यह सोम प्रदोष हो गया, आदित्य प्रदोष, अर्क प्रदोष हो गया, भौम प्रदोष वह कब कब है उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि प्रदोष की विधि क्या है, प्रदोष में व्रत कैसे करना है, तो संपूर्ण विधि आपको बताएंगे एक अलग से वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपके अगर ज़्यादा कमेंट हमें प्राप्त होते हैं तो हम उस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे, पूरी जो पूजा विधि है प्रदोष व्रत की वह आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। अभी जानते हैं 2021 के सभी प्रदोष जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। 10 जनवरी 2021 रविवार कृष्ण पक्ष में अर्क प्रदोष हो रहा है, यह आयु एवं आरोग्य प्रद है। 26 जनवरी 2021 मंगलवार शुक्ल पक्ष में भौम प्रदोष है, यह ऋण मोचन कराता है। 9 फरवरी 2021 मंगलवार कृष्ण पक्ष में भौम प्रदोष ऋण मोचन के लिए। 24 फरवरी 2021 बुधवार शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत है। 10 मार्च 2021 बुधवार कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत है। 26 मार्च 2021 शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत है। 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत है। 24 अप्रैल 2021 शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष है और शनिवार और शुक्ल पक्ष के संयोग से अतीव शुभकारी यह प्रदोष व्रत है। 8 मई 2021 शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष में शनि प्रदोष है, यह संतान की प्राप्ति कराता है। 24 मई 2021 सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष है, यह शांति एवं रक्षा प्रदान करता है। 7 जून 2021 सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष में सोम प्रदोष है और यह अतीव शुभकारी, जो सोमवार और कृष्ण पक्ष का संयोग है यह अत्यंत शुभकारी है। 22 जून 2021 मंगलवार शुक्ल पक्ष में भौम प्रदोष है, यह ऋण मोचन कराता है। 7 जुलाई 2021 बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत है। 21 जुलाई 2021 बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत है। 5 अगस्त 2021 गुरुवार शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत है। 20 अगस्त 2021 शुक्रवार और शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत है। 4 सितंबर 2021
शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष में शनि प्रदोष है, यह संतान प्राप्ति कराता है। और 18 सितंबर 2021 को शनिवार और शुक्ल पक्ष का अद्भुत संयोग अतीव शुभ शनि प्रदोष है, जो पुत्र की और अतीव शुभत्व की प्राप्ति कराता है। 4 अक्टूबर 2021 सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष में सोम प्रदोष है, यह अत्यंत शुभ है, जो शांति एवं रक्षा प्रदान करता है। 17 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में अर्क प्रदोष है, यह आयु एवं आरोग्य प्रदान करता है। 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन कृष्ण पक्ष में भौम प्रदोष ऋण मोचन प्रदान करता है। 16 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में भौम प्रदोष ऋण मोचन कराता है। 2 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत है। 16 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत है। और वर्ष का अंतिम प्रदोष 31 दिसंबर 2021 को कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत है, और यह प्रदोष करने से शुभत्व की प्राप्ति होती है। अब प्रदोष के विषय में हमने पूरी चर्चा की, प्रदोष का व्रत कैसे करना है, अगर यह आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। पूरी वीडियो आपको श्रृंखला में हम प्रस्तुत करेंगे कि प्रदोष का व्रत कैसे किया जाता है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, और प्रदोष की जो विधि है वह संपूर्ण आपको प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई जानकारी, शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में, नए एक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।